यस बैंक के शेयर में भी आजकल काफी ज्यादा हरकत देखने को मिल रही है। मैं नोटिस कर रही थी आज फिर ये स्टॉक मोमेंटम दिखा रहा है, 24-25 के आसपास ट्रेड करता हुआ। यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है एक्चुअली। अगर आपको ध्यान है तो हम लोग ने एक स्टोरी भी की थी कि जहाँ SBI को एक स्ट्रेटेजिक एग्जिट चाहिए, चाहे वो ब्लॉक डील से बेचें चाहे वो स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल से बेचें। जो सूत्र मनी कंट्रोल को अब अपडेट दे रहे हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स, खास करके जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, जापानीज प्लेयर्स और दुबई बेस्ड एमिरेट्स NDB, अब इनको भी जो है येस बैंक का हिस्सा SBI से लेने में दिलचस्पी है। इनफैक्ट मनी कंट्रोल के सूत्र ये बता रहे हैं कि येस बैंक में दुबई से सबसे बड़े बैंक जो है एमिरेट्स NDB, अब ये ड्यू डिलीजेंस कर रहे हैं, बोली लगाने की पूरी पूरी तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको ध्यान है, इसके पहले जो न्यूज़ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही थी वो ये सजेस्ट कर रही थी कि मित्सुबिशी UFJ बैंक जो है, फाइनेंशियल ग्रुप है बहुत बड़ा जापान का, और इसके अलावा सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग ग्रुप भी है, ये दो जापानीज कॉन्ग्लोमरेट्स और ये बड़ी बैंक्स हैं जिन्होंने येस बैंक में पहले भी दिलचस्पी दिखाई थी। ऑब्वियसली बहुत सारे रेगुलेशन, RBI परमिशंस और यू नो प्रोसेस को बहुत ही समय लग सकता है, लेकिन जो हिसाब से काफ़ी सारे फॉरेन पार्टनर्स का इंटरेस्ट आ रहा है, शायद SBI भी अब तेज़ी से ये स्टेक सेल प्रोसेस को एक्सेलरेट कर रही है। और मनी कंट्रोल के हिसाब से जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो इसी महीने की आखिरी डेट्स में जो है वो कंप्लीट हो सकता है, या बोली इनफॉर्मली मंगाई जा सकती हैं। ऑब्वियसली मनी कंट्रोल को ना ही SBI और येस बैंक की तरफ से कोई प्रकार का कमेंट आया है, ना ही दूसरी जो बैंक जिनका नाम हम ले रहे हैं फॉरेन पार्टनर्स, इनके तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स आया है। लेकिन हाँ, इस मनी कंट्रोल रिपोर्ट के बाद शेयर में 3 से 4% की अब तेजी देख रहे हैं। तो पहले SBI का साथ, अब दिग्गज से दिग्गज विदेशी बैंक्स यहाँ पर शायद पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। moneycontrol.com की एक्सक्लूसिव अपडेट। और यतिन भी पहले इस खबर पर मेंशन कर चुके हैं कि SBI निकलेगा तो कुछ दूसरे निवेशकों से बड़ी निवेशक अंदर आते हुए दिखाई देंगे। पहले चार्ट पर सुधीर बताइए, अब 25 के आसपास कंसिडरिंग ये काउंटर फिर से लगातार तेजी में है, अगला पड़ाव क्या बन रहा है? हर्षदा जी, मुझे लग रहा है जो हिसाब से यहाँ पे आज जो मूव आया है 4.5% के आसपास येस बैंक ऊपर है, तो एक कंसोलिडेशन, पिछले कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक रिवर्सल भी नजर आ रहा है। और जो प्रायर एक फरवरी में एक बड़ा अप ट्रेंड आया था, उसके बाद स्टॉक स्लोली मोमेंटम लूज कर रहा था, तो मुझे लग रहा है ये फिर से यहाँ से एक, मुझे लग रहा है एक नया रास्ता बन रहा है ऊपर की तरफ। और जो हिसाब से 50 दिन के मूविंग एवरेज पे आके आज अभी ट्रेड कर रहा है, तो एक यहाँ पे 25.5 के ऊपर एक बार सस्टेन कर जाए स्टॉक, तो अगला लेवल येस बैंक के लिए 28 से लेके 29 के बीच में आ सकता है आने वाले कुछ सप्ताह में। तो मुझे लग रहा है 25.5 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है, जहाँ पे पिछले 10-12 दिन पहले भी एक बार वहीं से स्टॉक ने रेजिस्टेंस लेके कूल ऑफ हुआ था, तो 25.50 के ऊपर मुझे लग रहा है यहाँ पे हमारा ध्यान पॉजिटिव होना चाहिए ये काउंटर में। ओके चलिए अब